गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ को सर्वनाम पढ़ा रहे हैं। ये अपना चैप्टर फोर्थ है। इसमें हम देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम में कौन से शब्द आते हैं, जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, हमारा, उसको, उसका, आपका, ये, वे, उनको, इसको, इसके आदि शब्दों का जो प्रयोग होता है वे सभी क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। कभी कभी संज्ञा को बार बार अपन प्रयोग करते हैं तो इसके कारण वो पढ़ने में और देखने में गलत लगता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ, आप लोग देखिए, निम्न वाक्यों को आप ध्यान से पढ़िए और देखना। गोपाल एक अच्छा लड़का है। गोपाल प्रातःकाल घूमने जाता है। गोपाल प्रतिदिन नहाता है। गोपाल विद्यालय जाता है। ये गोपाल क्या है, गोपाल है संज्ञा। तो गोपाल 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 बार बार गोपाल आने पर ये आपको देखने में पढ़ने में दोनों में ही गलत लग रहा है, ये अच्छा नहीं लगता है। तो गोपाल संज्ञा को हम सिर्फ एक ही बार लेंगे, गोपाल एक अच्छा लड़का है। फिर गोपाल की जगह पर हम इसको गोपाल शब्द को हटा करके किसी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अब गोपाल की जगह कौन सा सर्वनाम आएगा, गोपाल की जगह सर्वनाम आएगा वह। गोपाल एक अच्छा लड़का है। वह प्रातःकाल घूमने जाता है। वह प्रतिदिन नहाता है। वह विद्यालय जाता है। अब देखने में सुनने में ये कितना अच्छा और सटीक लग रहा है। इसलिए कभी कभी हमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर जब हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं तो इससे वाक्य सुंदर और टिकाऊ और अच्छा दिखता है। इससे देखने में बोलने में भी कोई परेशानी नहीं आती और सामने वाले को भी ये उचित लगता है। इस कारण हम सर्वनामों का प्रयोग कभी कभी संज्ञा के स्थान पर करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम बेटा अपने सात प्रकार के होते हैं। सात प्रकार के मतलब 13 जो सर्वनामों से कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत तो वह व्यक्ति आता है जो कि अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को कहता है, जैसे मैं, मेरा, मेरा, हमारा, तुम, हमारा, तुम्हारा, तू, तेरा। इस तरह से बोलने वाले व्यक्ति को बोलते हैं उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वह व्यक्ति होते हैं होता है जो कि सामने वाला व्यक्ति की सुनता हो, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तेरा, ते, तुम्हारा, आपको, इसको तरह से मध्यम पुरुष होता है जो सामने वाला सुन रहा हो। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष इसे कहते हैं जिसमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो बीच वार्तालाप हो रही है उसके बीच में एक तीसरा पुरुष वहां पर मौजूद नहीं है, उसकी एक उपस्थिति में अन्य पुरुष होता है। जैसे वह, उसका, उसके, उसके लिए, उसका काम जो वहां मौजूद नहीं है। तो ये तो हो गया अपना पहला सर्वनाम जिसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें तीनों पॉइंट के तीनों पुरुष आते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। दूसरा नंबर का अपना सेकंड भाव सर्वनाम वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वह चीजें आती है जो कि निश्चित होती है, उनकी तिथि, तारीख, जगह, स्थान निश्चित होता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है तो वह मेरी ही है। यह मेरी माँ है तो वह माँ मेरी है। यह आपका भाई है तो वह आपका ही भाई है, वह किसी और का नहीं है, मतलब उसके लिए वो निश्चित है। यह स्मॉल वंडर विद्यालय है तो स्मॉल वंडर विद्यालय ही है, कोई दूसरा विद्यालय नहीं है। तो ऐसी चीजें जो निश्चित है वो अनिश्चित नहीं हो सकती, वो सब निश्चयवाचक सर्वनाम में ही आएगी। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कुछ भी चीज निश्चित नहीं है उसे कहते हैं अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे शायद कोई बाहर खड़ा है, अब पता नहीं बाहर कौन खड़ा है, कोई अपना रिश्तेदार भी हो सकता है, अपने घर वाले भी हो सकते हैं, या अगर कोई बच्चा है जो गेट बजा के भी जा सकता है, तो कुछ निश्चित नहीं है। शायद पानी में कुछ गिरा है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो जिसमें कुछ भी चीज निश्चित नहीं होती है, जिसमें आते शायद, कुछ, थोड़ा, ज्यादा, तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है
सर्वनाम, ये अपना 14 पॉइंट है, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें जो, तो, जैसा, तैसा, ये शब्द जो कि दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में मिलाते हो उनको हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो इसमें जैसा और तैसा के बीच का जो शब्द है ये इस दो वाक्यों का संबंध बता रहा है, जो करेगा वो भरेगा, जो जो जैसा, ये जो बीच का वाक्य जो कि दो वाक्यों को आपस में मिलाने का कार्य करते हैं उसे कहते हैं हम संबंधवाचक। जैसी करनी वैसी भरनी, तो करनी भरनी ये भी दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ ये भी क्या कहलाएंगे अपने संबंध वाचक सर्वनाम। अगला पॉइंट आता है अपना सूत्रकरण नंबर था, वो है कृषिवाचक सर्वनाम। अक्सर कृषिवाचक सर्वनाम में आप लोग एक ही चीज को देखा करो तो कैसे शुरू होगा, कौन, किसका, कहाँ, कैसे, किसको, किसके लिए, किसका, किसके काम के लिए, जो कैसे जो भी वर्ण शुरू होगा वो सारे कृषिवाचक सर्वनाम में ही। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक कहते हैं स्वयं का, पर्सनल, उसको हम क्या बोलते हैं निजवाचक। जैसे स्वयं खुद अपना कार्य करो, स्वयं खुद अपने लिए खाना बनाओ, मैं अपना काम स्वयं अपने आप कर लूंगा, मैं अपना कार्य खुद करता हूँ, या मैं अपने लिए खाना खुद बनाता हूँ, इन शब्दों के लिए किसका प्रयोग होता है, सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का। अगला है 7 नंबर का अपना है संकेतवाचक सर्वनाम, जिसमें हम किसी चीज की ओर संकेत करते हैं, जैसे यह मेरा घर है, वह मेरा भाई है, यह टेबल है, यह कुर्सी है, इन चीजों की ओर जो संकेत करते हैं, इशारा करते हो, उसको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अपना ये जो 4th नंबर का चैप्टर है सर्वनाम आज कंप्लीट हो चुका है, इसकी वीडियो हम आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।